विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करना तथा विश्व में समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों एवं मिथकों को दूर करना है। इस वर्ष 2020 के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम नर्सों एवं मिडवाइफों का समर्थन करें, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स है विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम। इस साल का थीम है विश्व स्वास्थ्य दिवस का सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ष 1948 में आयोजित हुई थी तथा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। रुड़की IIT रुड़की में प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया। IIT रुड़की ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। यह वेंटिलेटर सभी आयु समूहों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसे काफ़ी कम लागत और कम समय में बनाया जा सकता है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित वेबिनार में 450 कंपनियों को प्राणवायु वेंटिलेटर का डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया है। यह पोर्टेबल वेंटिलेटर मॉडिफाइड रेलवे डिब्बों के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। ज्ञातव्य है कि अब तक 20,000 से अधिक रेलवे कोचों को अस्पताल के बिस्तरों में परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा लगभग 70 रेलवे कोचों को आइसोलेशन वार्ड में बदला जाएगा। ओडिशा सरकार ने घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह को ढकना अनिवार्य किया। ओडिशा सरकार ने 9 अप्रैल को के बाद घर से बाहर निकलने वाले पर नाक मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर संभव कोशिश कर रही है। उड़ीसा सरकार ने अब लॉकडाउन के बीच जरूरी सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकलने पर नाक मुंह ढकना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 9 अप्रैल 2020 से प्रदेश भर में लागू हो जाएगा। आदेश को न मानने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उड़ीसा के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए राज्य सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। मुकेश अंबानी वैश्विक अमीरों की सूची में 8 पायदान फिसलकर 17वें स्थान पर। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के बीच 2 महीने में भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपए घटी है। अब अंबानी वैश्विक अमीरों की सूची में 8 पायदान फिसलकर 17वें स्थान पर हैं। दुनिया में सर्वाधिक 2.27 लाख करोड़ रुपये की गिरावट हुई वित्ता के बर्नार्ड अर्नॉल्ट की नेटवर्थ में आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सर्वाधिक 2.27 लाख करोड़ रुपए की गिरावट लुई विटों के बर्नार्ड अर्नॉल्ट की नेटवर्थ में आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी के अलावा गौतम अडानी, शिव नादर और उदय कोटे की संपत्ति में भी जबरदस्त कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए केजरीवाल सरकार ने बनाया 5T प्लान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 7 अप्रैल 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना 5T प्लान पेश किया। इस 5T प्लान में जांच से लेकर इलाज, कोरोना संक्रमित से मिले लोगों की ट्रेस करने से लेकर निगरानी तक शामिल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दुनिया के अनुभवी डॉक्टरों की टीम और विशेषज्ञों से चर्चा के बाद यह प्लान तैयार हुआ है। इस प्लान के मुताबिक 1 लाख लोगों का रैपिड जांच से लेकर अगर दिल्ली में रोज़ाना 30,000 संक्रमित लोग भी होते हैं तो उनके इलाज का प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, नोएडा और लखनऊ समेत 15 जिले पूरी तरह सील। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 15 जिलों को सील कर दिया है। इन 15 जिलों में लखनऊ के साथ वे सभी ज़िले शामिल हैं जहां लगातार जमातियों या उनके संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। यूपी सरकार ने यह निर्णय 13 अप्रैल तक लिया है। वे इसके बाद इस निर्णय की फिर से समीक्षा करेगी। यह आदेश आज
8 अप्रैल 2020 रात 12 बजे से लागू होगा। योगी सरकार ने यह निर्णय राज्य में बढ़ते कोरोना केसों को कम करने के लिए किया जाएगा। सरकार ने 13 अप्रैल 2020 तक इन जिलों को पूरी तरह से सील कर दिया है। इन जिलों में वही लोग घर से बाहर निकल सकते हैं जिनके पास कर्फ्यू पास होगा। भीलवाड़ा मॉडल क्या है, इससे कैसे कंट्रोल हुआ कोविड 19? राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल कोरोना वायरस से निपटने हेतु देश के सामने एक उदाहरण साबित हो सकता है। भीलवाड़ा में जब पहली बार कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आए तो ऐसा लगा कि जैसे भीलवाड़ा भारत का दूसरा इटली बनने जा रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और पूरे शहर में कर्फ्यू लगाकर बॉर्डर सील कर दिया। भीलवाड़ा में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने पर जोर दिया गया। इन सब के चलते भीलवाड़ा में कोरोना वायरस के मामले आगे नहीं बढ़े। भीलवाड़ा में कई संक्रमित मरीज ठीक हो गए। भीलवाड़ा में पिछले 17 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है। कोविड 19 के खिलाफ जंग में भारत की मदद करेगा अमेरिका। अमेरिकी दूतावास के अनुसार यह घोषित सहायता राशि पिछले 20 वर्षों में भारत को अमेरिका द्वारा प्रदान की गई निरंतर सहायता के आधार पर निर्धारित की गई है। अमेरिका द्वारा प्रदान किए गए इस फंड से भारत को नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने में मदद मिलेगी। विश्व के इन 64 देशों के अलावा अमेरिका ने आसियान देशों को लगभग $18.3 मिलियन का सहायता पैकेज भी प्रदान किया है। स्वास्थ्य और मानवीय प्रतिक्रिया का विश्व प्रमुख होने के नाते यह घोषित सहायता राशि व्यापक महामारी से लड़ने के लिए है। भारतीय रेलवे ने तैयार किया किफ़ायती वेंटिलेटर G1। तो इस सस्ते वेंटिलेटर को कपूरथला रेल डिब्बा कारखाना ने तैयार किया है। इसका नाम G1 रखा गया है। इस वेंटिलेटर का अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ICMR ने इसे मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। ब्रुकिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जीवन रक्षक वेंटिलेटर की भारी कमी है। वेंटिलेटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई करने में किया जाता है। यह कोविड 19 के गंभीर मरीजों के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि इस बीमारी के गंभीर होने पर फेफड़े काम करना बंद कर सकते हैं। अब वन लाइन पढ़ते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच 2 महीने में भारत के किस अमीर शख्स की नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपए घटी है? मुकेश अंबानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस देश की तर्ज पर एक 5G प्लान जारी किया है? तो दक्षिण कोरिया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के बाद टोक्यो और देश के 6 अन्य हिस्से में कितने महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की? 1 महीने। वह देश जिसने मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात को अनुमति दे दी है? भारत। किस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? रवांडा। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तितली एवं उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से किस राज्य के तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में स्पाईवेयर पेगासस का निर्माण करने वाले किस देश की तकनीकी कंपनी NSO ग्रुप ने कोरोना वायरस के प्रसार की निगरानी हेतु एक सॉफ्टवेयर के परीक्षण की जानकारी दी है? इज़राइल। हाल ही में किस IIT ने वेंटिलेटरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो IIT रुड़की। किस राज्य सरकार ने 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया है? उड़ीसा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।